सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इन दिनों भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस रही है। सावन के महीने में नव विवाहित कन्याओं को अपने मायके जरूर जाना चाहिए, ऐसा क्यों? आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार से। जी, भारतीय शास्त्रों में कन्याओं का बड़ा महत्व कहा गया है। जिस प्रकार अपन प्रत्येक भगवान का नाम लेते हैं, जिसमें अपन राम जी का ही देख लीजिए तथा भगवान कृष्ण का देख लीजिए, इसमें सर्वप्रथम अपन से कहते हैं तो प्रणाम करते हैं तो सीताराम जी, जय सीताराम, इस प्रकार करते हैं। और किसी से भी अगर अपन राधे कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधे कृष्ण, इसमें राधा पहले और सीता जी भी पहले आई हैं। तो उसी प्रकार कन्याओं का बड़ा महत्व कहा गया था, देवियों के रूप में भी उनको पूजा जाता है तथा मुख्यतः हमारे घर पर, भारतीय घरों पर माता पिता अपनी कन्याओं को लक्ष्मी के संबंध में जानते हैं कि हमारी लक्ष्मी हैं, इसी प्रकार जानते हैं तथा उनका विवाह होता है। विवाह के पश्चात श्रावण माह जो पहला श्रावण होता है उसमें कन्याओं को घर जाने के अनेक प्रकार की लौकिक कथाएं कही गई हैं। अनेक प्रकार के शास्त्रों में भी कहे गए हैं कि कन्या को श्रावण के माह में अपने महर अपने पीहर अवश्य जाना चाहिए, उससे अत्यधिक शुभ संकेत मिलते हैं और अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर कहा गया है कुछ रीतियाँ इसी प्रकार बनाई जाती है, जिस प्रकार आपस में ससुराल पक्ष तथा पीहर पक्ष के तालमेल बना रहे हैं। तो इसी प्रकार श्रावण के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो श्रावण में महिलाओं को अत्यधिक शुभ कहा गया है। इसमें कुछ कुंवारी कन्याएं जो अपने हरी चूड़ियाँ पहनती है तथा साज श्रृंगार में अत्यधिक ध्यान देती हैं तथा मेहंदी लगाती हैं तथा सावन के झूले भी डलते हैं तथा उसमें झूले और चहचहाट बनी रहती हैं। और महिलाओं को श्रावण में जो नव विवाहित कन्याएं हैं उनको अपने पीहर जाना चाहिए, उससे अत्यधिक शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। इसको करने से पारिवारिक संबंध अच्छा मधुर होते हैं तथा दोनों परिवार में अत्यधिक मधुरता प्राप्त होती तथा पत्नियों के पति के संबंध में भी अत्यधिक मधुरता प्राप्त होती है तथा वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक होता है तथा प्रसन्नता बनी रहती है। इसलिए ही श्रावण में कन्याओं को इस प्रकार अपने माता पिता के घर में आना चाहिए।